अब आपको दुर्ग से एक खबर बता देता हूं। महिला पर हेलमेट से हमला किया गया है। महिला के जेठ ने हमला किया है। पारिवारिक विवाद के चलते ये हमला हुआ है। हमले में महिला घायल हो गई, इलाज जारी है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। महिला के जेठ ने हमला किया है। आकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आकाश, किस बात को लेकर यहाँ विवाद हुआ और क्या इसमें कोई एक्शन भी लिया है महिला के द्वारा? बिल्कुल, महिला के द्वारा शिकायत थाने में की गई है और उसकी जांच भी चल रही है। फिलहाल महिला जो है उपचार कराने जो शास्त्री अस्पताल सुपेला में बैठी हुई है और साथ ही साथ पुलिस जो है आरोपी को भी साथ लेकर के है। ये पूरा मामला जो है एक परिवार के बीच का है। जमीन जो जो इनका संपत्ति विवाद लगातार चल रहा था, संपत्ति विवाद को लेकर इससे पहले भी जो आरोपी है दिनेश कुमार साहू, उसने कई बार गाली गलौज जैसी हरकत की थी, जिसको लेकर के परिवार ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था, जिसके कारण आज ये सबूत के रूप में सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है, गेट खोलते ही जो दिनेश कुमार साहू जो डोंगर गांव के पास आसरा में एक शिक्षक के रूप में पदस्थ है, वो आते ही साथ जो महिला पर हेलमेट से वार कर देता है और इसके बाद वो बाहर जाकर के इसके पति के साथ भी मारपीट करता है। तो इसकी शिकायत थाने में हुई है। महिला को गंभीर चोट आई है जिसका इलाज वो करवा रही है और लगातार इनके परिवार के बीच में जमीन और संपत्ति का विवाद चल रहा है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका।